Assalamualaikum, good morning, Lahore. आप सब देखने वालों को सो हाउस का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। आज के प्रोग्राम का आगाज भाई मैं तो बड़े कॉन्शियसली कर रही हूँ, बिकॉज मेरे साथ आज कुछ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें आजकल देखना और सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उन पर जाने से पहले आज की अच्छी थॉट आप लोगों से शेयर कर लूँ। आज की अच्छी थॉट जो कि कल मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू। जिंदगी में हमेशा जब ताखीर होती है किसी चीज़ में, डिले, तो मैंने कल ये रियलाइज किया कि डिले में हमेशा खैर होती है। वो कैसे, मैं आपको ये कहूँ कि आप इन बिटवीन जॉब हैं। मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ इस बात पे कि आप इसको रियलाइज करें कि आप इन बिटवीन जॉब हैं। आप जॉबलेस कभी नहीं होते। अगर आप एक जॉब छोड़ते हैं या निकाल दिए जाते हैं या आप फैसला करते हैं कि आपने कोई और जॉब करनी है, तो आप इन बिटवीन जॉब्स होते हैं। तो आप सोचें कि आप एक काम से निकलकर दूसरे काम को करने के बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब अगर आप एक रिलेशन की बात करें और ब्रेकअप्स की बात करें, अगर आपका दिल टूटे, तो एक रिश्ते से निकलकर आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं और नए रिश्ते की जानिब बढ़ते हैं। तो कभी भी इसका मतलब ये कि आपका दिल नहीं टूटता, आपके रिश्ते नहीं टूटते, सिर्फ आप स्विच करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर किस चीज में ताखीर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 साल से इस इदारे में काम कर रही हूं या आप पिछले 4 साल से एक ही काम कर रहे हैं और आपके फैसले में ताखीर हो रही है या आप एक खैर मांग रहे हैं अल्लाह से और उसमें ताखीर हो रही है, तो आप इस चीज को रियलाइज कर ले कि ग्राउंड रियलिटी और अंदर खाते वो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अल्लाह ताला उसको हमेशा इकट्ठा करते हैं जो भी आप इंतजार करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलता है, बशर्त ये कि इस डिले में आप खैर तलाश करें और बड़ी सब्र और तहम्मुल से आप इस चीज को रियलाइज करें कि आपने इस वक्त को कैसे गुजारना है। अब आप ये सोच लें कि आप जो फिल्म चला रहे हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं, आपने इसका एक्टर बनना है, इसकी एक्ट्रेस बनना है या आपने इसका विलन बनना है, तो ये जो टाइम खैर का डिले का है इसको आपने कैसे गुजारना है, चॉइस इज ऑल योर्स। तो आपने इस चीज का फैसला करना है कि आपने इसको एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है या फिर चेरिश करना है या फिर बस अफसुर्दगी से आपने ये वक्त गुजार देना है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, मुझे ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस दुनिया में और मेरे इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे भी कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा बोलते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद है आज द वन एंड ओनली निम्रा अली। अब इनकी डिजिग्नेशन में क्या कहूँ, ये एक्ट्रेस है, ये मॉडल है, ये सिंगर है, ये होस्ट है, ये एंकर है, वट एवर, लेकिन अबव ऑल ये निम्रा अली है। निम्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाँ, उर्दू बोले ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और अब मैं तरह इसका तर्जुमा भी कर देती हूँ, आपके आने का बेहद शुक्रिया, आपको खुश आमदीद। आप मुझे समझ आ गई है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर यानी आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर हैं अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। हाई, थैंक यू टाइम फॉर मेकिंग अप वाला, मतलब ऐसा है कि हमें जो भी आपसे कहूँ कि मैं आपको बात करूँ ना, आज मेरी बात का जवाब नहीं आएगा, बात पे बात आएगी या बात पे सवाल आएगा, लेकिन आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। यही नहीं, निम्रा के साथ और लोग भी मौजूद हैं और उनको बुलाने का मकसद भी आज निम्रा से लिंक ही करता है। कैसे लिंक करता है? निम्रा ने रिसेंटली एक जो सॉन्ग है वो लॉन्च किया, उस पर पिक्चराइजेशन हुई, लेकिन वो गाया किसने, बिहाइंड द सीन जो शेयर है, आज हमने उनको प्रोग्राम में इन्वाइट किया है। आयमा बुखारी हमारे साथ मौजूद है, सिंगर है उस गाने की जिसको जिसको पिक्चराइजेशन किया गया है निम्राली पे, और अली रजा हमारे साथ मौजूद है, ये भी सिंगर है उसी गाने के, और इनको भी खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो गलत बात है कि आप नहीं पूछेंगे, बिकॉज मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया है, मैं अपने चाहने वालों से, अपने देखने वालों से हमेशा ये कहती हूँ कि बखैर आफियत आप होंगे, और अगर नहीं है तो मैं आपको फिर एक बार से बता दूँ, इट्स ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने आप को कैसे रखना है। ये एक्स वाई जी आगे पीछे किसी की जिम्मेदारी नहीं है, निम्रा ऐसे ही है, खुद अपने आप को खुश रखना होता है। हाँ, दूसरे लोग तो ना देते ही नुकसान है, कभी भी कोई आपको फायदा नहीं देता। मुझे ना ये दुनिया में पता चल गया, जब से मैं फेमस हुई ना मुझे सब पता चल गया कि क्या दुनिया है क्या नहीं। आपको पता है मैं जब से इस मीडिया में ना मुझे इतनी फिट एडवाइसेस मिली है, इतनी फिट एडवाइसेस कि मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये अगला जो बंदा है ना कभी भी आपका फायदा नहीं सोचेगा, ठीक है ना। आपको जो भी करना है ना अपने लिए खुद करना पड़ता है। मैं अपने लिए सारा कुछ खुद करती हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती। इससे अच्छा है अगर आपको खुशी भी देनी है, खुशी लेनी भी है, तो आप खुद से एक्सपेक्ट करें, कोई दूजा तीजा गहरा नथु गहरा ना समझे। चलिए मैं आपको बात बताऊं, मुझे आप बोलती भी बहुत अच्छी लगती है, बता आपको मुझे भी आप बोलती बहुत प्यार है और आप बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप सच्ची बोलती है और जो दिल में आता है ना वो जुबान पे आ जाता है। ये जो मुनाफिक लोग है ना इनका कोई इलाज नहीं है, फूले में आखिरत। मैं आपको बताऊँ, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है दुनिया में, मैं कहती हूँ तौबा तौबा, ये भी होता है अब दुनिया में। अब तो मेरा ना दुनिया से यकीन ही उठ गया, बस मैंने ये सोच लिया अपने लिए करूंगी, अपने लिए जीऊंगी। ऐसी है ना, देखिए मैंने प्रोग्राम के आगाज में ये कहा कि ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस, कोई जिम्मेदारी नहीं था, तभी आपको कोई खुश क्यों रखेगा। अपने अपने आप से प्यार करना है तो लोग आपसे प्यार करेंगे, लेकिन लेट्स कम टू द सॉन्ग। अभी जो पिक्चराइजेशन हुई है आप पे, ये सॉन्ग किस तरह से प्लान किया, कैसे ऑफर आई आपको और आपने कहा कि बस मुझे इसी पे काम करना है, और ये कैसा आइडिया है जिस पर काम किया जा सकता है? हाँ,
मैं ना एक इंटरव्यू लेने गई थी किसी के घर, जब मैं चैनल के साथ थी तो मैंने वहां पर एक जिसका इंटरव्यू था वो थे ताहिर अब्बास, बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे शख्स हैं। सबसे पहले तो ये वो इतने अच्छे शख्स हैं, मेरी मामा को उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड था। तो जब उन्होंने मुझे कॉल की ना, तो इन्होंने उनको कहा होगा कि इनको कोई मॉडल चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि निम्रा तुमने फिक्र नहीं करनी, मैं तुम्हारा ऐसा करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। मैंने कहा चलें ठीक है। तो इन्होंने मुझे कहा कि निम्रा एक गाना है, मैं चाहता हूँ कि उसमें तुम आओ। तो मैंने मामा को बताया, मामा कह रही ताहिर ने कहा। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा। मामा कहते ठीक है। मेरे मामा ने आंख बंद के कहा चलो हाँ ठीक है, गाना ठीक है। हमने गाना सुना भी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था गाने में ये है, किसने गाया गाना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं इनसे मिली, इन्होंने मुझे देखा, इन्होंने सबसे पहली बात ये की ओहो ये तो बहुत छोटी है। हाँ ये बात वैसे बात तो सच है, देखे ना वो इतने बड़े मैं इतनी छोटी। तो उन्होंने तो यही कहना था कि हो ये तो बहुत छोटी है। लेकिन इसका भी उन्होंने जो इनके हमारे डायरेक्टर थे अली ओन, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने उनके कितने गाने सुने, इतनी कोई आला पिक्चराइजेशन इतनी अच्छी की होती है। लेकिन इमरान आपको पता है बड़ी हो गई हैं। हाँ, अब मैं बड़ी हो गई, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया ना, मैं बड़ी हो गई। जब आप मैच्योर हो जाते हैं ना, जब आपको दुनिया के रंग नजर आने लग जाए, लाहौर रंग आपको दुनिया के रंग नजर आने लग जाए ना, तो समझे कि आप थोड़े समझदार हो गए, थोड़े बड़े हो गए। हाँ मैं 17 साल की थी, अब 18 साल की हो गई, लेकिन उस एक साल में मुझे बहुत कुछ मिला। अच्छा, ऐसे एक तो कई सालों का सफर, मुझे ऐसा लगता है कि इस एक साल के टाइम पीरियड में जब आपको मुख्तलिफ चैनल्स ने इनवाइट किया, मुख्तलिफ शोज में गए, मुख्तलिफों का इंटरव्यूज किया, वेब सीरीज पे काम किया, फायदा उठाया, ये कहे चैनल ने बुलाया। क्यों अपनी वजह से नहीं बुलाया? बस कर रहे हैं। देखा, देखिए बात तो सच है ना, बात करनी चाहिए। देखिए मुझे आज तक याद पड़ता है कि जब लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम जब निम्रा हमारे शो में आई, हमारे इदारे पे आई, तो मेकअप रूम में बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे, वहीं बैठे बैठे निम्रा का फोन आया कि आपने कराची आना। निम्रा की एक्साइटमेंट का कोई लेवल नहीं था एट दैट टाइम। क्यों बताऊं भला, क्यों मेरी एक्साइटमेंट का कोई नहीं था? क्योंकि जब मैं फेमस हुई थी ना, तो इतनी सारी मीम्स बनी थी कि अवनीता यासी निम्रा को भी बुलाई, अवनीता यासी निम्रा को भी बुलाई। तो मैं पता है उनसे क्या कहती थी, बस कर दो, इतनी दूर कराची में मुझे बुलाए ना ले, ऐसा नहीं होता बस कराची के लोगों को बुलाती है। जब मुझे कराची से लाहौर के लिए पहली बार कॉल आई तो मैं पागल ही होंगी ना। लेकिन आपको पता है, मैं लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू, जो मेरी स्क्रीन के उस तरफ लोग मुझे देख रहे हैं, बड़ी अजम्पशंस आ गई थी कि निम्रा इसे कैरी नहीं कर सकती, निम्रा कैसे संभालेगी इतनी फेमस होके, किस तरह से इसको कैरी ऑन करेगी, परसू कैसे करेगी। लेकिन जितना नाइसली निम्रा ने ये पूरा साल गुजारा है, निम्रा सम क्रेडिट गोज टू यू, थैंक यू। ये जाता है, देखिए प्यारी बच्ची है, अच्छी बच्ची है, लेकिन जिस तरह से ये जो फेम है इसे कैरी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बड़े बड़े रह जाते हैं इस मुकाम पर। मैंने भी बहुत मुश्किलों से संभाला, बहुत सारी ठोकरें भी खाई हैं और कई हद तक मुझे लगता है कि मैं ठीक से उसको सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन मुझे फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं चाहती तो मैं एक महीना भी वायरल हो सकती, दो महीने भी हो सकती, लेकिन मुझे तकरीबन पांच महीने। अच्छा, इसे कहते हैं हाउ टू सस्टेन, सस्टेन कैसे किया जाए। निम्रा ने सस्टेन किया है, आज भी जब वो एक साल बाद मेरे शो में आई तो वैसे ही बोल रही है और वैसे ही इंटेंसिटी के साथ, खूबसूरती के साथ। अब मैं बताऊं, मैं थोड़ा कम बोलने लग गई हूँ क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ ना, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके सामने मेरा दिल नहीं करता कि मैं बोलूं। आपको क्या पता हो, मैं वहाँ गुमसुम हो जाती हूँ, कहती हूँ आप निम्रा नहीं है, मैं कहती हूँ जी मैं निम्रा नहीं, तो कहते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि आपके सामने वैसे ही बोला जाए जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। बंदा पूछे आप कौन है जब मैं बोलूं, ये मेरा डायलॉग है, मैं हमेशा अपने आगे पीछे में अपनी कैजुअल लाइफ में बहुत कहती हूँ ये कौन है, ये कौन है, आप कौन है। हाँ लेकिन अपना तारुफ मुझे देना आता है, इस तरह निम्रा को भी देना आता है। लेकिन अब जरा गाने की बात कर लेते हैं, पिक्चराइजेशन तो हो गई, अब ये गाना दरअसल उस जुबान में है जो निम्रा ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि किस जुबान में, सराय की मेयर, राइट। आई आप मुझे बताएं कि कब से गा रही हैं और आपने जब ये गाना लिखा तो जब आपने सोचा कि बहुत छोटी उम्र है निम्रा की, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रिजल्ट्स, क्या रिव्यूज, क्या फीडबैक मिला आपको पिक्चराइजेशन? एक्चुअली ये दो लैंग्वेजेस में है, उर्दू और सराइकी, ठीक है, और मैंने नहीं लिखा ये। मनान हमारे जो पोएट हैं, बड़े मशहूर पोएट हैं और यूके में वो रहते हैं, ठीक है, तो उनकी एक थॉट थी और अली ने मुझे कॉल की कि इस तरह से एक पोएट्री है तो हम इसको करना चाह रहे हैं, बड़ा डिफरेंट था हम लोगों के लिए इस चीज को करना। तो क्रेडिट गोज टू पहले तो उनको पोएट को जाता है, देन अली को जाता है, उसके बाद जो जिन्होंने म्यूजिक किया राहिल मिर्जा उनको जाता है, ठीक है। ये सारा एक टीम वर्क होता है, तो एक बंदे का हाथ नहीं होता है इसमें, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर निम्रा जब उस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए फिर आपको उसमें यू नो एज तो मिलता है। देखिए फेमस पर्सनालिटी तो निम्रा है, लेकिन उसके अलावा आपने जब काम किया तो निम्रा के साथ बैठ के मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक बच्ची जिसे नया नया नाम मिला हो, नया नया काम मिला हो, उसका डाउन टू अर्थ होना, चीजों को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कैसे एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मैं इनसे फर्स्ट टाइम तभी मिली जब लॉन्चिंग थी सॉन्ग की, तो ये नहीं जानती थी मुझे, मैं इन्हें जानती थी ऑन स्क्रीन, बट पर्सनली मैं इनसे कभी भी नहीं मिली। बाय पर्सन आपने से नहीं? हाँ जी, फेस टू फेस हम लोग उसी दिन मिले जिस दिन लॉन्चिंग थी, तो इन्हें उस दिन पता चला कि मैंने ये सॉन्ग जो है वो
किया है। अच्छा वैसे इस टास्क, जैसे अली आप मुझे बताएं कि ये दो जुबानों का इम्तिजाज है, उर्दू का और सिलाई का। सिलाई को नॉर्मली कहा जाता है मोहब्बत की जुबान है, मीठी, तो ये मीठी जुबान है, बहुत खूबसूरत जुबान है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गाना लिखने का, उसके बाद इसको गाने का और फिर इनके साथ पिक्चराइजेशन का? मैं सांस ले लूं थोड़ा सा, इतना मैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी छोटी खूबसूरत खवातीन जो है वो बात करी, आप यहाँ बैठे तो प्रेशराइज़ वो तो मेरी छोटी बहन है, बेटी है मेरी वो तो। अच्छा खैर, निमरा अली से बात स्टार्ट करते हैं। मैं और ताहिर बास बैठे थे गुलबर्ग और हम एक बड़ा मजेदार कीमा खा रहे थे। तो मैंने अचानक कहा, ताहिर यार मुझे ना एक मॉडल चाहिए। तो कहता है, जो मैं मॉडल दूंगा आपने आंखें बंद करके ले लेनी, आगे से बोलना नहीं आपने। अच्छा नहीं जी, मुझे पता लगा कि निमरा अली आ रही है। अच्छा, मैंने ताहिर को कहा, यार मैं मिलना चाहता हूँ एक बार, निमरा अली रियल में कैसी है। लेकिन जी निमरा अली जब एंटर हुई हमारे रूम के अंदर, ये तो बहुत ही छोटी है यार, तो बिल्कुल ही बच्ची सी है, बंदे को ना अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। अच्छा खैर, ताहिर का फैसला तो हमने एक्सेप्ट किया। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि मनान कदीर मनान साहब यूके के अंदर रहते हैं, वो मेरे दोस्त हैं पर्सनल, वो चूंकि शायर हैं तो उन्होंने एक गजल लिखी। कहते हैं, अली मैंने एक गजल लिखी है वो दो जुबानों में। अच्छा। तो मैंने कहा, यार ये मुझे क्या बता रहा है, मतलब आप मत ना सुने ना उसको बोलने में। उससे मनान कल ही तो पूछा है ये प्यार मेडा मेडी जान भारी, कहा यार ये क्या बकवास है। मेरा पहला रिएक्शन ये था। उसके बाद में मैंने उसको कंपोज करना शुरू किया। जब मैंने कंपोज किया वो कुछ थोड़ी सी अच्छी शक्ल बन गई। अच्छा ठीक। तो उसके बाद फिर मैंने अपने म्यूजिक डायरेक्टर से रब्ता किया। मैंने कहा, राहिल यार ये कुछ इस तरह का है, क्या करें। तो वो कहता है कि यार ये सराइकी गाना है, लेकिन हम इसको बहुत डिफरेंट किस्म का करेंगे, इसको इंटरनेशनल उर्दू सराइकी बनाएंगे। अच्छा। तो हमने उसका रेफरेंस लिया, 90s, लेट 90s का जो पॉप म्यूजिक चल रहा था उस टाइम का, हमने वो रेफरेंस लिया। वो गाना बनते बनते बहुत ज्यादा अच्छा बन गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ, बिकॉज जितनी हम बात कर रहे हैं इस सॉन्ग के बारे में और कि इसका इम्तिजाज कैसा है, कम्पोजिशन कैसे हुई, आपने कैसे इसको गाया, मैं चाहती हूँ कि अगर आप दोनों लाइव हमें गा के सुना दें ताकि लोगों को पता चले कि जो जिस गाने की हम इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं, जो निमरा में पिक्चराइज हुआ है, वो गाना दरअसल है क्या। ओवर टू बोथ ऑफ यू। 1 2 उसे मन्नान कल ही तो पूछा है, उसे मन्नान कल ही तो पूछा है, प्यार में डा मेडी जान भारी तने, प्यार में डा मेडी जान भारी तने, जाने क्यों मुझको महसूस होता है, जाने क्यों मुझको महसूस होता है, जेड़ी पहले है यो बेकरारी ताने, जेड़ी पहले है यो बेकरारी ताने, उससे मन्नान कल ही तो पूछा है ये। क्या बात है, खूबसूरत, गुड वन। वैसे वाकई इस गाने को समझने के लिए आपके पास ज़ौक शौक ही दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका सिलाई से लगाव है, मोहब्बत है, या उर्दू ज़ुबान को बड़ी आप समझते हैं, तो ही आपको समझ आएगा कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने दो ज़ुबानों के साथ साथ मोहब्बत के इस एलिमेंट को भी बड़े अच्छे से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। निमरा, जब पिक्चराइज हो रहा था आप पे उस वक्त, तो मतलब आपको समझ आ रही होगी ना कि लिपसिंग करनी होती है और ये मुश्किल टास्क होता है। इन्होंने मुझे कहा था कि इसमें सिर्फ ब्यूटी शॉट्स होंगे। जब हम वहां पर बैठे थे मिलने के लिए, इन्होंने कहा था बस आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको दुपट्टा लगाना है, यहाँ से आना है, वहां जाना है, ऐसे करना है, ऐसे ब्यूटी शॉट्स होंगे, औंठे लगाना, बस। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे गाना सेंड कर दिया, मैंने रात को सुना, थोड़ा सा सुना मैंने, उनका ये तो हमारी जुबान में ही नहीं है, तो फिर मुझसे नहीं लिपसिंग करवाएंगे। मुझे क्या है, मैं फ्रोके ले लो कह लू, उधर फिरती रहूंगी यहाँ पे। तो फिर ना मैं वहां पे गई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ मुझे क्या अच्छा लगा था इस गाने में। मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि मैं हूँ गाने में। क्या बात है, हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस चेक करिए आप निमरा अली की। सबसे बुरा पता क्या लगा था, अजीब, कि मैं कैसी छोटी सी हूँ। पहला गाना था, आप खुद ही सोचे मैं कितनी खुश होंगी कि मेरा पहला गाना, मैं बाल कर्ल करूंगी, मैं ऐसा मेकअप करूंगी, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? कुछ ये हुआ कि जो जिस डिजाइनर से हमने कपड़े लेने थे ना, उनसे ये देखें, आज मुझे पता चला कि मेरा गाना है और अगले दिन ही मेरा गाना है, ठीक है, यानी कुछ इस तरह हुआ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। वहां से हमने ड्रेस लिया और मैं तब, अब तो मैं फिर भी थोड़ी मेरी हो गई है ना फिजिक ऐसी कि मैं थोड़ी हेल्दी लगने लगी। तब मैं चूसी लगती थी, यानी कि चूसनी लगती थी, इतनी पतली होती थी। तो मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूंगी। तो वो जो मेकअप आर्टिस्ट थे ना, ओहो बीबी तेनू तो पिन्ना लानिया पे गया। मैंने कहा तो ना मेरी मामा लेके मुझे पिंज लगा रही है, कोई 10,000 पिंज हमने लगाई, सेट वुट किया, फिर जाके वो ठीक हुआ।
और वो इतनी सर्दी थी उस दिन, इतनी सर्दी थी कि मैंने जैसे बच्चे नहीं उठाते, 10-12 बच्चे अपनी गोदी में उठाते, पीछे की जितनी टेल थी वो मैंने अपने हाथ में उठाई थी, कांपी जा रही है, वहां पे लकड़ियां लगी हुई है, लोग गिरदे गिरदे हैं और गाना गा रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं, साथ में लिपसिंग भी थी, तो उसी दौरान मुझे सारी लिपसिंग याद करनी। अच्छा अच्छा निम्रा, आपको पता है मैंने जब प्रोग्राम करना था ना, मुझे पता चला कि मैंने प्रोग्राम करना है निम्रा के साथ, तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में मैं अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई प्रोडक्टिव बात जरूर करूं। मैं लेम तो नहीं कहूंगी, लेकिन निम्रा से दिल करता है कि आप ऐसी बातें करें जो बड़ी कैजुअल सी हो, जैसे निम्रा कहती मैं ऐसे लूर लूर फिरना शुरू हो गई, और ऐसे कैजुअल वर्ड्स, ऐसी आम फहम गुफ्तगू जो कि हम अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ करते हैं ना भाई, ये ऑन स्क्रीन आके शुरू होती है। ऐसे ही होता है, ये जो ज्यादा बनते हैं ना टीवी पर, मुझे सब पता था वो अंदर से क्या। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, ये तो आपकी ख्वाहिश थी कि आप एंकर बने, होस्ट बने, वो तो आप बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब बहुत सारे लोगों का आपने इंटरव्यू किया, मैंने भी बहुत सारे देखे, देखे सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव हूँ, बड़े सोफिस्टिकेटेड लोगों का इंटरव्यू जब निम्रा करती है ना, तो निम्रा बात ऐसी करती है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं पूछती जो बड़ी फायदेमंद हो, बड़ी टेक्निकल हो और बड़ी यू नो सोफिस्टिकेटेड हो, बड़ी बाइल्म किस्म की बात जो ना वो हम निम्रा नहीं करती, लेम बात पूछती है और वो आगे से लेम जवाब भी देते हैं। ये कैजुअल लाइफ है जो कि आपकी जिंदगी का एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है। मुझे फेम जिस वजह से मिला है ना, अगर मैं उससे हटके कोई चीज करूँ ना, तो लोग मुझे पता है क्या कहते हैं, अब बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही, वो इतनी मीम्स बनाते हैं, हमने सोने के चक्करों में हीरा खो दिया, पता नहीं क्या क्या मीम्स बनाते रहते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि कभी कभार मैं खुद को चेंज कर दूँ, जैसे लोग मुझे चाहते हैं मैं वैसे हो जाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं लोग कौन है, लोग तो कभी अच्छा, मुझे ये बताएं क्यों किसी के लिए चेंज हो। निम्रा, किसका इंटरव्यू करना मुश्किल रहा आपके लिए? मतलब देखिए ऐसा होता है कि देखिए आप कैजुअल हैं, आप बड़ी रैंडम सी और कैंडिड सी बंदी हैं, लेकिन बाज़ूकात आपके सामने कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो रिजिड हो, रूड हो, सोफिस्टिकेटेड हो, काफी ऐसे करके बैठा हो, अब उसे इस तरह से बात करना, फिर जवाब निकलवाना कोई आसान काम तो नहीं होता, किसका मुश्किल रहा इंटरव्यू करना? मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज रहे हैं जो मेरे से, यानी कुछ लोग कुछ है भी नहीं और बनते हैं, कोई ऐसा बंदा जो वाकई सोफिस्टिकेटेड आपको लगा हो, जिसको हंसाना, जिसे जवाब लेना मुश्किल हो। एक मेरा अपना इंटरव्यू था, तो आपको पता है वो कुछ भी, यानी वो एक स्टूडेंट थी और वो एक चैनल के, उस चैनल के 3 सब्सक्राइबर्स भी नहीं होंगे, पहला इंटरव्यू मेरा था, और वो लड़की ने मुझे बंदर कहा, इतना कुछ कहा, तुम सरदर्द हो, तुम बदतमीज हो, तुम जाहिल हो, क्या क्या कहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कैमरे का लिहाज नहीं किया, मैंने कहा तुम तो मेरे से जलती हो, ठीक है ना, ये तो जेलस है ना, मेरे सामने ना दिखाना, मैं तो बच्चों को निकाल दूं, तुम क्या चीज हो। फिर मैंने भी अच्छे सुनाई, मैंने नहीं लिहाज किया कि कैमरा क्या नहीं, मैंने कहा ये जैसे इंटरव्यू आएगा ना, एक एक बंदे ने कहना है कि ये लड़की मेरे से जलती। चले भाई, अब हमारे पास टाइम हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक मैं नहीं लूंगी, ब्रेक तो निम्रा लेगी, निम्रा अच्छी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। अपनी मेजबान सोहा को ना दें इजाजत, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। सुबह जो आप उठकर सोचेंगे, जिस तरह से आप दिन का आगाज करेंगे, उसी तरह से आपका सारा दिन गुजरेगा, ये बात मेरी लिख लें। ये कहना बड़ा आसान है, इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सुबह सुबह आप उठे, आंखें आपकी बंद हो, अपने फोन देखा, फोन खोला, पहली आंख से इसने नया घर ले लिया है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो सारा दिन इसी एहसास कमतरी में, इसी महरूमी में आप गुजार देंगे। तो सुबह सुबह उठ के अपने आप को जरा आईने में देखें और कोई एक ऐसी चीज रियलाइज करें जो आपके अंदर, आपको लगता है निम्रा के अंदर नहीं है, आयमा के अंदर नहीं है, सोहा के अंदर नहीं है, जो सिर्फ आपके अंदर है, और सारा दिन उसको कैच करके मुस्कुराते रहे। राइट निम्रा, कहती हूँ किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे तरह तेज अच्छा बोल सके। नहीं देखे निम्रा, मैं तेज बोलती हूँ, अच्छा नहीं है बोलती, लेकिन आप निम्रा वाली थोड़ी, आप तो सोहा है ना, निम्रा मैं अच्छा नहीं, अपनी अपनी जगह है, निम्रा मैं अच्छा नहीं बोलती, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, अभी कह रही अच्छा नहीं बोलती, अभी कह रही अच्छा बोलती, यानी मैं बहुत बहुत अच्छा बोलती हूँ, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, मतलब निम्रा से कम अच्छा, निम्रा से कम अच्छा, निम्रा से कम अच्छा। अच्छा चले, निम्रा की पिक्चराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, निम्रा के गाने को हम आज रीलॉन्च कर रहे हैं एक बार फिर से, हमारे सेट पे रीलॉन्चिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल से आप पहले वो सॉन्ग देख लें जिसमें इतना बड़ा सा फ्रॉक मेहरून का लगा लहराते हुए निम्रा यहाँ से वहां जा रही है। क्या बात है भाई, क्या बात है, पहला क्रेडिट आप दोनों को कि वाकई आपने बहुत अच्छा गाया भी, पिक्चराइज भी किया, और उसके बाद जो क्रेडिट है वो इनकी खूबसूरत अदाओं को। निम्रा वैसे गट्स तो हैं, इतनी खूबसूरती से आपने, वैसे सीरियस लुक आपकी लुक है नहीं, लेकिन आपने बड़े सीरियस होकर आवाज किया है इसका गाने का। मैंने ना, क्योंकि मेरा पहला गाना था, मुझे पता है कि मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, यानी कि लोग देखने वाले ये कहेंगे कि भाई पहला गाना था अच्छा किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहती तो मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन वो मुझसे हुआ नहीं,
पता नहीं अब क्या मसला था। उसके बाद भी मेरा गाना आया, वो मैंने अच्छा किया, मुझे लगा भी हाँ मैंने अच्छा किया। अच्छा वो गाना कौन सा था? वो गाना एक टिकटॉकर के साथ था, उनके साथ शर्जील आवेश है, वो एक टिकटॉकर है फैसलाबाद से, उनके साथ था। सबसे अच्छा टिकटॉकर कौन सा लगता है? अब मुझे सारे अच्छे लगते थे पहले, सारे अच्छे लगते थे। मैं अब एक एक बंदे से मिल ली है ना, अब मुझे एक भी नहीं अच्छा लगता। आपको पता है जो अंदर से दिखते हैं ना, वो जो कैमरे पर दिखते हैं, वो अंदर से कुछ भी नहीं होते। मैं एक टिकटॉकर पार्टी में गई, वहां पर ना सारा का गाना लॉन्च हो रहा था, मैंने ना वहां पर एक एक टिकटॉकर जन्नत जुबैर पता और जन्नत जुबैर जन्नत मिर्जा उसकी बहन अम्मा अब्बा सारे, यानी एक एक टिकटॉकर वहां पर मौजूद था। क्या हुआ वहां पर? मैं सबसे सलाम ले रही, सेल्फियां ले रही, कोई मुंह नहीं लगा रहा। मैंने कहा अच्छा बेटा, मैंने कहा ठीक है, आप क्या समझते हो खुद को, है मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे बुलाया क्यों हुआ फिर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं पता नहीं ये मेरा एक्सपीरियंस है, फिर निम्रा का भी हो, शायद आपका भी हो जो हमें देख रहे हैं, निम्रा टिकटॉकर्स के अलावा जो आपके सेलिब्रिटीज होते हैं वो ज्यादा डाउन टू अर्थ नहीं होते, वो ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, प्यार नहीं करते आपको? मैं आपको बताऊं, जिसको अल्लाह से डर लगता है ना वो डाउन टू अर्थ है, जो अपने आप में शहंशाह बना फिरता है ना उसको कुछ नहीं है। मैं इतने अब आपको पता है जब आप शोबिज में आते हैं आपको कितने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ऐसी है। अब मैं आपसे मिली हूँ, मैं एक और शख्स से भी मिली हूँ, लेकिन आप में उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो लोग जमीन से जुड़े रहते हैं ना कामयाबी हमेशा उन्हीं को मिलती है, लेकिन आप में बन बन बैठेंगे ना तो गरूर अल्लाह को भी नहीं पसंद, तो गरूर से काम ना लें, डाउन टू अर्थ रहें, जो जमीन से जुड़ा हुआ है अल्लाह उसको बेहद पसंद करता है, और गरूर का सर हमेशा नीचे आता है। दो चार दिन की चांदनी से आपको खुश नहीं रह सकेंगे, पूरी जिंदगी आपने ऐसे नहीं रहना, आखिरकार आपको कब्र में भी जाना ही है। लेकिन निम्रा कितनी अच्छी बातें भी करती है। देखिए मैं निम्रा को प्यार इसलिए करती हूँ बिकॉज मेरे शो में जब पहले भी निम्रा आई थी तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस के वो तेज तेज बोलती हैं और जो दिल में आता है वो बोल देती हैं, इसके अलावा जो जिंदगी गुजारने के बेसिक असूल होते हैं ना वो निम्रा की जुबान पे ना हो दिमाग में और दिल में जरूर है, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा जब मैं निम्रा से मिलती हूँ तो उसको पता होता है कि उसने बड़े की इज्जत कैसे करनी है, छोटे की इज्जत कैसे करनी है, अगर वो स्लिप ऑफ टंग जो है जो उसका योनरा है जो कि उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है वो हो भी जाए तो वो उसको फौरन कॉम्पनसेट कर लेती है। मैंने बदतमीजी करते हुए निम्रा को कभी नहीं देखा। मैं बदतमीजी करती नहीं हूँ। अब आप देखें, आप मुझे गाली देंगी तो मैं आपको ये थोड़ी कहूंगी आई लव यू टू, बंदा मुझे गाली दी है तो उसके रिएक्ट में भी कुछ बुरा ही आएगा ना। अब मुझे गाली दी है मैं उसको गाली में नहीं कहूंगी कि भाई तुम भी वो, मैं उसको भी अपनी वे में ही समझाऊंगी। अब जो जैसा बंदा होता है ना उसको अगला बंदा भी वैसा मिलता है, आप अच्छी हैं ये अच्छी हैं वो अच्छे हैं हम आपस में अच्छे हैं, अब मुझे अगला बंदा कुछ कहेगा तो फिर मैं उसके साथ भी वैसी हूँ। अच्छा निम्रा मुझे ये बताओ, चले काम हो गया अब इस गाने के बाद और उसके बाद आपने एक और गाना भी किया, उसके बाद कोई गाने की ऑफर हुई, किसी ड्रामे की ऑफर हुई, किसी टीवी चैनल ने अप्रोच किया प्रोग्राम के लिए? हुई थी, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि आपके लिए ठीक क्या आपके लिए गलत क्या, तो हर चीज को देख कर चलना पड़ता है। मैंने उसके बाद खेलों में भी किया था गाना, PSL का सॉन्ग था उसमें भी मैं थी, लेकिन ड्रामा एक मुझे आया था हम टीवी का ड्रामा, तो उसमें मुझे कैरेक्टर मिला था लेकिन वो कैरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा था, मेरी मम्मी ने कहा था कि इससे ना तुम्हारी इमेज खराब हो सकती है। अच्छा डिस्क्लोज नहीं करेंगी क्या कैरेक्टर था? क्योंकि आप तो अपने किया नहीं डैमेज डन ना, आप तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं आपने ऑफर ठुकरा दी तो ठुकरा दी, अब कौन सा करना है आपने? वो लड़की लड़का मिक्स कैरेक्टर था, मैं करती अच्छी लड़ी लगनी थी। हालांकि ऐसे कैरेक्टर्स में देखे फेमस हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके बात बताऊं, देखिए हमारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस माया मायरा से शुरू किया, माया जिसकी भी बात करो ना वो जब करेक्टर में आती है तो लगता है करेक्टर में है, वो जलन ड्रामा देखो अपने एक्सप्रेस इतने ड्रामे थे मतलब उनको लगता है कि वो फॉर्म में है, दे आर एक्टिंग वेरी वेल, तो वैसे एक्टिंग करने में कोई हर्ज नहीं था? मैं एक्टिंग करती जरूर करती, लेकिन वो कुछ यूं वहाँ पर ऑडिशन होने थे बहुत सारे और फिर करेक्टर भी कुछ यहाँ का था, मामा कह रही थी वहाँ पे मैं जाती ऑडिशन ना होते तो जाए अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। लेकिन मेरी जिंदगी में आप सबके लिए भी एक बात वो ये कि जिंदगी में मौका कभी मिस नहीं करना चाहिए, कभी मिस नहीं करना चाहिए, वो छोटा है बड़ा है, जिसने मौका मिस किया या तो उस मौके से उस एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख लेंगे या अगर डैमेज भी हो जाएगा डैमेज को मसला नहीं लेकिन आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो जिंदगी में मौका मिस नहीं करना, आज के बाद मौका मिस नहीं करना। मैं कभी करती नहीं हूँ मौका मिस, लेकिन उस वो मौका मुझे मिलना ही नहीं था, यानी मुझे पता था कि मुझे यहाँ से रिजेक्शन आने तो फिर बंदा खुद ही कर देना, मैं खुद ही कर दूँ। अच्छा अब क्या प्लान? देखिए लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से ये कैसे सवाल है टिपिकल जो कि करना चाहिए, फ्यूचर गोल्स, मेरे फ्यूचर गोल्स अभी भी वही हैं, जब अच्छा काम आएगा तो करूंगी, जहाँ लगे मेरी अम्मी को लगेगा कि निम्रा यहाँ पे ठीक है वो करूंगी वरना नहीं। अच्छा क्या तब्दीली आई है अब तक, मतलब अब तो काफी टाइम हो गया ना फैमिली में सोशल सर्कल में फ्रेंड सर्कल में,
अब क्या तब्दील? बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है। मैं पहले, फिर मैं आपको वही कहने लगी, पहले मैं इतनी लेट उठती थी, इतनी लेट उठती थी, नाश्ता हमारा 4 बजे हो रहा था, कुछ ही वो मेरी जिंदगी थी। अब मेरी जिंदगी से नाश्ता निकल ही गया। अच्छा, नाश्ता है ही नहीं। अब मुझे बाहर जाके नाश्ता करना पड़ता है, घूमते रहो, सोशल मीडिया हैंडल करना है, पिक्चर्स लो, निम्रा तस्वीर खींचनी है, निम्रा ने लाइनर लगा, निम्रा तैयार, आओ सारी छत पे चलें, तस्वीरें ली, उसको एडिट किया, टिकटॉक बनाओ, चलो इसको इंस्टाग्राम पे डालो, 9 बज गए इसको इस पे डालो, ये करो वो करो वो करो, अपनी होश भूल के बस सोशल मीडिया संभाल लो, जैसे सोशल मीडिया ना होगी। अच्छा, आपको पता है निम्रा की आपके बाद जो सेकंड बंदी बहुत ज्यादा वायरल हुई वो दना नीर थी, पता है आपको? पॉडी गर्ल, एग्जैक्टली। तो वो जब एक चीज वायरल हुई, यू फील दैट एट द टाइम, क्योंकि हम लोगों ने एक स्पैम देखा ना, हम लोगों ने फील किया बींग अ थर्ड आई, बींग अ ऑडियंस, कि पहले निम्रा अली पीक पे गई, वायरल हो गई, हमने बहुत एंजॉय किया, उसके बाद हम पॉडी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप उस वक्त फील किया कि यस, वो जरा टाइम अब थोड़ा खत्म हो रहा है, अब एक नई चीज है जो कि लोगों की जुबानों पे है, हर किसी के फोन पे है? नहीं, यू फील द सेम? वो मुझे पहले ही पता था, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता, हर इंसान का एंडिंग वक्त आता ही आता है। अब मुझे तो इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी खुद से कि मैं अब तक भी रहूंगी, लेकिन जब वो आई ना, मैं आपको बताऊं, मुझे वो खुद बहुत पसंद है। हाँ, इतनी प्यारी है यार, वो बहुत प्यारी है। अपनी बहनों को कहती हूँ, जब मैं इसको देखती हूँ, मेरा दिल का दर्द, मैं देखती रहूं। मिली है आप उनसे? मैं उनसे मिली नहीं हूँ, बट वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, और उनका बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। वही बात आ जाती है, जब अल्लाह ताला ने इज्जत देनी हो ना, तो वो 1 मिनट या 10 सेकंड नहीं देखता, वो 10 सेकंड की वीडियो से वायरल हो गई। क्या बात है, क्योंकि उनकी किस्मत में था। लेकिन फिर भी लोगों को अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, फिर उसको क्रिटिसिज्म में ले आते हैं, हैं? गोली मारो लोगों को, क्यों बात बताऊं, अच्छे अच्छे व्यूज बताती हूँ कि वो मैं बताऊं, वो मुझसे भी ज्यादा वायरल हुई। हाँ हाँ, इंडिया तक, बहुत इंडिया तक वायरल हुई है। और मैं जब उनकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, बल्कि मैंने भी उनके साउंड के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर उनमें कोई टैलेंट है तो वो भी उसको आगे लेकर जाएं, और किसी और का टैलेंट है तो अल्लाह ताला उसको भी आगे पहुंचाने की बस। सर, टैलेंट की बात हो रही है, तो मैंने जब निम्रा का तारुफ दिया, तो मैंने तारुफ में कहा कि ये एक्ट्रेस भी है, ये मॉडल भी है, ये सिंगर भी है, ये एंकर भी है, ये होस्ट भी है, और ये निम्रा अली है। तो निम्रा, मुझे कोई अच्छा सा गाना सुना। मैंने तुम्हें परसों गाना नहीं सिखाया है? अच्छा, आपने गाना सिखाया? वो मैंने सिखाया था गाना, मैं पिछली बार निम्रा आपके साथ बैठे हुए, ये मुझे सिखाते हैं। या, या, या। अच्छा, कैसे सिखाऊं, कौन सा सिखाऊं? चलिए सुनाए जो भी आपको। मुझे मेरा ही गाना सिखाया, देखो सर, मेरा ही गाना इन्होंने मुझे, यानी कि जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है ना, जो मैं हर जगह जगह गाती रहती हूँ, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। तो इन्होंने मुझे वही सिखाया था, शायद इन्होंने सिखा दिया, तो कहते हैं निम्रा को गाना सिखा। मैं चाहती हूँ कि जो निम्रा को पसंद है, हर जगह निम्रा वही गाना गाती है, वही सुना दे हमें। मेरी आवाज में मैं पेश कर रही हूँ लग जा गले, पता नहीं कितना पुराने जमाने का गाना है, लेकिन मैं अपना न्यू वर्जन निकाल रही हूँ। जब मैं बड़ी सी सिंगर बन रही है, कसम से मैंने पहला गाना यही गाना, लग जा गले के ये हसीनात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से से। क्या बात है भाई, क्या बात है, फील करके गाया है ऐसे निम्रा ने, नहीं गाया। मुझे एक बात बताओ, शादी क्यों ऑफर हुई है? बताओ, शादी वो ऑफर नहीं कि मेरे घर पे रिश्ता लेकर आ जाएं, लेकिन वैसे तो मुझे व्हाट्सएप पे 700 लोग मैसेज करके कहते हैं, मैम मिल यू मैरी मी, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, मैं आपके टिकटॉक देखता हूँ, मैं आपके लिए ड्यूट बनाता हूँ। मैं इनका बंदा, मुझे टिकटॉक बनाने से मैं तुमसे शादी कर लूँ? अच्छा, घर में भी थे, कैसा प्रपोजल नहीं आया? घर पर नहीं आया, वैसे घर पर मैं चाहती भी हूँ कि ना आए, इतनी जल्दी क्या करनी है शादी करके, शादी तो एक सबसे बड़ा सियासा होता है। आपकी एज क्या है? 18 साल। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है कि इंशाल्लाह अगले 1 साल में 2 साल में 20 साल की उम्र तक अगर आपको अच्छा रिश्ता आ जाता है, तो आप शादी कर लेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी मामा तो कहती है शादी करनी नहीं है तुम्हारी, हमने
क्यों? फिर तो मैं सुरदा हो जाती हूँ। मैं कहती नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, शादी तो करनी है लेकिन अभी नहीं, अभी फिर वही बात आ जाती है ना, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, मेरी जिंदगी बहुत सारे गोल्स हैं जो मुझे किसी भी हालत में पूरे करने हैं, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी। अगर तब तक जब तक मेरे गोल्स नहीं पूरे हो जाएंगे, मैं 80 साल की भी हो जाऊंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा मैं मुझे एक बात बताओ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने गोल्स में कामयाब करे। आपको क्या लगता है आजकल जो चीजें आपने एक्सपीरियंस की है, आप टीवी पे आई, आपने शोज को एक्सपीरियंस किया, आपने सोशल मीडिया को, टिकटॉक को, हर चीज को एक्सपीरियंस किया, किस चीज की इंटेंसिटी आपको ज्यादा लगती है, सोशल मीडिया या यूट्यूब पे आप ज्यादा रिलाई करती है या टीवी स्क्रीन पर? यूट्यूब नहीं, यूट्यूब भी जब मैं टीवी पर मुझे ना कुछ लोग मिलते हैं जब मैं कहती हूँ कि मुझे टीवी पर आने का शौक, कहते हैं बेटा टीवी से आपको कभी फेम नहीं मिलेगा, टीवी जो है वो वक्ती फेम है, अब तो ऐसे दौर आ गए कि सारा जो सोशल मीडिया वो फोन में है, तो आप अपने यूट्यूब पे ज्यादा फोकस करो। फिर लेकिन मैं कहती हूँ मेरा शौक जो है वो टीवी पे आने का, मैं कभी भी उसको नहीं पीछे करूंगी कि मैं टीवी छोड़ के यूट्यूब पे आऊँ। काम मैं यूट्यूब का ही करती हूँ सारा, मैं जितना भी काम होता है मैं यूट्यूब चैनल का ही करती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे वही शौक है कि मैं टीवी पर ही आऊँ। अच्छा तो फॉर एग्जाम्पल आगे रमजान ट्रांसमिशन आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहते हैं कि आपने रमजान ट्रांसमिशन, मुझे कहा था, मुझे कहा था पता नहीं किसने कहा था मुझे, मुझे नहीं याद उस चैनल का नाम, लेकिन मुझे रमजान ट्रांसमिशन की कॉल आई थी, मैंने हाँ भी कर दी थी, तो वो कह रहे थे कि हम आपसे करवाएंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए आपको पता है एक जिम्मेदारी होती है, मतलब अगर इसे अज्यूम कर लें, फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ बैठी नहीं है, दुपट्टा आपके पास है, आपने रमजान ट्रांसमिशन करनी है, आप कैसे करेंगे, इंट्रो कैसे देखिए, दुपट्टा लेने जा सकते हैं? देखो मैं पहले देखूंगी तो सही ना रमजान ट्रांसमिशन होती कैसे, अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, जब मुझे रमजान आते हैं रमजान का एक अलग एहतराम होता है। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि ये एक प्रॉपर जिम्मेदारी है कि आपने अल्लाह रसूल का नाम कैसे लेना है, किस तरह से आपने कोई आयत हदीस कोट करनी है, बड़ा काम करना पड़ेगा इस पर, डेली तैयारी करती है तो प्रैक्टिस होती है। मैं पता है मैं हमेशा टीवी ही देखती रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा रमजान ट्रांसमिशन देखी है और मुझे शौक भी बहुत है। मैं रमजान ट्रांसमिशन को छोड़ के मेरी बहन ने मुझे कहा था नहीं मैं आगे रमजान आएंगी तो क्या करूंगी, मैंने कहा क्या करूंगी, हिजाब झुक करके दुपट्टा दुपट्टा लेके एहतराम से काम करूंगी, रमजान में काम करूंगी लेकिन एहतराम से, रमजान का एक अलग एहतराम होता है उसमें। अब देखो मैं बीच में कभी कभार ऐसे ऐसे लफ्ज बोल देती हूँ जो बोलने वाले नहीं होते, नहीं होते एग्जैक्टली, मुझे रमजान के एहतराम में उन सब अल्फाजों से गुरेज करना पड़ेगा, और साथ साथ जिनका हम नाम लेते हैं उनका भी एक अलग एहतराम होता है, फिर उनको भी एहतराम से बुलाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी उतना ज्यादा मुझे पता चलेगा, इस बार रमजान ट्रांसमिशन में नहीं, अगली में नहीं तो उससे अगली में इंशाल्लाह कभी ना कभी मुझे मौका मिलेगा। अच्छा, खबरें पढ़ने का शौक है निम्रा? खबरें पढ़ने का, और मुझे हर चीज का शौक है, बस मुझे करने को मिले सही, मैं दिन रात एक करके उसकी भी प्रैक्टिस। आप बताओ ना खबरें कैसे पढ़ते हैं, मतलब खबरें पढ़ने के लिए कुछ नहीं, अस्सलाम वालेकुम आज की खबरों का हाल आपको बताते चले, बादलों में जोरों गर्ज ऐसे, क्या बादलों में जोरों गर्ज से बारिश होगी, यानी बादलों में जोरों गर्ज से बारिश होगी, यानी देखिए मैं चाहती हूँ ना लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी फिर मैं करूंगी। अच्छा खबरें पढ़ने मतलब आप पढ़ेंगी, अगर प्लान है कि मैंने न्यूज कास्टर बनना है, जब आपने स्टार्ट किया था तो आप फौरन से शुरू हो गई थी, आपने उसको पढ़ा था सीखा था फिर यानी मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, कम से कम 6 माह की इंटर्नशिप में आपने सिर्फ ये सीखना होता है हाउ टू रीड द प्रॉम्प्टर, मतलब एक प्रॉम्प्टर होता है मैंने देखा, मतलब आपने सिर्फ खबरें पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, खबरें नहीं पढ़नी अभी। हाँ जी फिर देखिए आप अभी टिकटॉक भी कर रही हैं, यूट्यूब भी कर रही हैं, शोज भी करती हैं, एज ए गेस्ट भी जाती हैं, एज ए होस्ट भी जाती हैं, ये सारे काम कर रही हैं, इस काम में रोजाना की बुनियाद पर खबरें पढ़ने की प्रैक्टिस तो नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। तो ये सोचें कि आपने वाकई खबरें पढ़नी है, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है रेट डेली, और क्या आप वाकई न्यूज कास्टर बनना चाहती हैं? मैं जरूर बनूंगी इंशाल्लाह। तो आप बन सकती हैं, वो सब बाकी सब बन सकते हैं, तो मुझे क्या, छोटी उम्र से मैंने स्टार्ट किया है, दैट्स रियली मींस अ लॉट कि इस उम्र से, जिस उम्र में सिर्फ लोग ये सोचते हैं, ये लोग आपसे पूछते हैं क्या, खुश होती हूँ कि मैंने अभी स्टार्ट किया है ताकि मेरी काफी जिंदगी पड़ी है कि मैं उसको सीख सकूं। अगर मैं 23 साल की उम्र में उसको सीखने लगती तो 24-25 साल की उम्र में सीखती, 26 साल की उम्र में मैं काम करती, 27 साल की उम्र में मेरी शादी हो जाती तो फिर तो बस बेड़ा गर्क। प्रैक्टिस की बात हो रही है तो हर चीज के लिए रियाज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। रियाज जो है अगर हम सिंगिंग की बात करें तो खास तौर पर इसमें हमें इस बाहर चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आपने प्रैक्टिस करनी होती है डेली, सुबह उठकर अपने वोकल को क्लीन करना होता है, तो आप कितनी प्रैक्टिस करती है इस हवाले से? प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है और साथ ही साथ काफ़ी चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ता है कि ठंडा पानी ना पिएं या इस तरह से चावल ना खाएं, कुछ चीज़ें होती हैं जो गले को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, तो मेरे साथ बचपन से इशू है कि मैं कुछ ऐसा मतलब कोल्ड ड्रिंक मैं बचपन से नहीं पीती, तो अब तक नहीं पीती। अच्छा, हाँ अब तक नहीं पीती, कोई मुझे पूछता है कि कोल्ड ड्रिंक, तो मैं कहती हूँ नहीं बस चाय पीती हूँ, तो वो बचपन से ही ऐसी आदत बनी हुई है कि अब मैं कुछ और लेती हूँ तो वो गला मेरा फौरन से खराब हो जाता है।
मतलब बहुत एहतियात करनी पड़ती है। हाँ, एहतियात तो डेफिनेटली करनी पड़ती है। ठंडा पानी नहीं पियो, मतलब मैं तो मेरा तो गला हो जाता है खराब। लेकिन मोस्टली सिंगर्स ऐसे मैंने देखे हैं जो अचार भी खा रहे होते हैं उनका गला नहीं खराब हो रहा होता। अच्छा, या कुछ ऐसी चीजें। एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिकॉशन तो आपको करनी चाहिए। अली, आप इस हवाले से बताएं कि आपको क्या लगता है, इतना मार्केट में टफ कंपटीशन है, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड, अच्छे सिंगर्स भी हैं, कुछ आपको आपको जेनेटिकली चीजें मिलती हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ लोगों को सीखना पड़ता है, तो इतने टफ कंपटीशन में सस्टेन करना, अपना नाम बनाना, कैसे आपको लगता है कि कितनी जरूरत है इस चीज की? मुझे एक चीज का एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी है। मैं चूंकि बिलोंग करता है घराने से, दैट इज ग्वालियर घराना क्लासिकल गायकी, तो मेरी बेस है क्लासिकल म्यूजिक की। ठीक है, जो क्लासिकल गा सकता है वो सब कुछ गा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट हमारे पीछे है। और जहाँ तक रही बात आपकी प्रयास वगैरह की, तो मेरा इस मामले के अंदर नजरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि आपको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे रियाज करना है। उस चीज का फायदा नहीं है कि आप 8 10 12 घंटे कर लें लेकिन गलत करें, उससे बेहतर है कि आप 1 घंटे का दुरुस्त कर लें। और ये गला खुदा की नेमत है, इसको आपने बचा के रखना। आप रियाज इतना ज्यादा कर ले कि आपके वोकल कॉर्ड्स खत्म हो जाए और आप स्टेज के ऊपर बिल्कुल फारिग हो जाए। अच्छा, इन सब चीजों के लिए एक और बहुत आम चीज चाहिए होती है, कोई भी मामला हो, सिंगिंग हो, होस्टिंग हो, व्हाटएवर, आपको मेंटोर की और आपको गाइडलाइन की बड़ी अशद जरूरत होती है। इसके बगैर चीजें मुश्किल हो जाती है। हाँ, उन लोगों की बात नहीं सुनी जो मुफ्त मशवरा देते हैं, उन लोगों की बात नहीं सुनी जो यहाँ से भी कहते हैं ऐसे ना करो ऐसे करो। कुछ अच्छे ऑनेस्ट लोग आपकी जिंदगी में ढूंढना, आपको गाइड करना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। और निम्रा ऐसे करके सर हिला रही है। निम्रा, इस हवाले से मुझे जरा कंक्लूड कर दो, जितने भी आपके फैंस हैं जो आपको देखते हैं, प्यार करते हैं, अच्छा छोटा सा मैसेज दे दो। अच्छा सा मैसेज यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और कभी भी किसी दूसरे की बातों में आकर अगले बंदे के बारे में कोई राय काम ना करें। जब तक आप एक बंदे से खुद मिल नहीं लेते, तो आप ये ना कहें कि ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, इसमें आपके गुनाह में इजाफा हो रहा है। इसको पीठ पीछे बुराई भी मेरे ख्याल से कहा जाता है कि आप उसको जाने बगैर उसके बारे में एक राय कायम कर देते हैं। तो अपना ख्याल रखें और डाउन टू अर्थ रहें। सबसे पहले तो ये, बेशक आप बहुत बड़े हैं लेकिन टॉप चीज भी बन जाए, हाँ जो मर्जी आप हो जाए, लेकिन कभी भी ये ना भूलें कि आप जमीन पर पैदा हुए और आपने जाना भी जमीन में है। ठीक है, कभी भी ये ना भूलें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। कोरोना वायरस है, उसे डरने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, मौत अल्लाह की तरफ से आनी है, मैं तो सबको ये कहती हूँ। लेकिन एहतियात जरूरी है। जो रूल्स बनाए गए, अब जब एक स्कूल में रूल्स बनाए जाते हैं तो उसको हर कोई फॉलो करता है। हाँ, अब हमारी जिंदगी के भी ये रूल्स हैं कि हमें मास्क पहनना है, हमें लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो उन चीजों को फॉलो करें। अगर इसको नहीं भी करेंगे तो अल्लाह से तो आनी आनी है, कोरोना ने पहले पकड़ लेना है। देखिए, एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। निम्रा की बात को मैं सेकंड करके प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी। कभी भी किसी के बारे में कोई राय, किसी की बात सुनकर कायम ना करें। जज बाय योरसेल्फ। आप देखें कि अगर मैं किसी के साथ बहुत अच्छी हूं तो इट डजंट मीन कि मैं जो मेरा सेकंड रिलेशन होगा मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस सेम होगा, ऐसा नहीं है। आपके एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ मुख्तलिफ होते हैं। निम्रा मेरे साथ बहुत अच्छी है तो शायद किसी और होस्ट साथ इतनी अच्छी ना हो। तो ये डिपेंड करता है आपके सोशल इंटरेक्शन पे। तो कभी भी आपने राय नहीं बनानी लोगों की बात सुनकर, खुद जज करें कि आपने इस इंसान को किस तरह से ट्रीट करना है। थैंक यू सो मच थ्री ऑफ यू, बहुत मजा आया। निम्रा के साथ मुझे हमेशा बहुत मजा आता है। निम्रा खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करें और आप अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली COVID-19 की वजह से प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। और मास्क यहाँ लगाना है, यहाँ और यहाँ नहीं लगाना। अल्लाह हाफिज़।